आप जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं करते जाए, जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप प्रीलिम्स के साथ साथ थोड़ा टाइम मेंस के ऊपर भी दें। एटलीस्ट डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन लिखने का प्रयास करते रहें, एक या दो क्वेश्चंस लिखने का प्रयास करते रहें। ये बिल्कुल भी गेस पेपर नहीं है, इससे प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे ये तो बाद का समय बताएगा। मैं ये भी नहीं दावा कर रहा हूँ कि इससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे, लेकिन हाँ निश्चित रूप से आप अगर इसको पूरे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका जो प्रैक्टिस है वो बेहतर होगा। टेक्स्ट बुक्स पढ़ने हैं आपको, क्लास नोट्स पढ़ने हैं और उसके बाद तब आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। देखो मैं जहां जिससे भी सुनेंगे ना आप आंसर राइटिंग के बारे में, तो वो क्या बोलेंगे, जब तक आंसर राइटिंग करेगा नहीं सिलेक्शन नहीं होगा। अरे आंसर राइटिंग में वो क्या लिखेगा पहले ये तो बताओ, सामने वाले को खुद ही नहीं पता कि क्या लिखना है, तू बताएगा क्या? वो कुछ भी लिख दिया, बोलेगा क्या इसमें स्पेस दे दो, टर्म आया कि फ्रॉम सिटीजन टू नेटिजन, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करेंगे आंसर्स में, है ना, कि सिटीजन्स टू नेटिजन्स, जिस तरीके से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, आप इस टर्म को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आंसर्स में, कीवर्ड्स में कैसे इसको इंक्लूड करेंगे, ये सारी चीजें जब तक सामने वाला पढ़ेगा नहीं तब तक वो बता कैसे पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा, आपको बता दें हमने ही कल खबर दिया था नोटिफिकेशन में देरी होने की संभावना है। पिछले साल जून में ही नोटिफिकेशन आया था 69वीं का, लेकिन इस साल देरी होगा। वजह रहा चुनाव और पटना हाई कोर्ट का जो 15% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया गया था उसे रद्द करना, जिसके कारण जो है देरी हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि परीक्षा भले ही 15-20 दिन देरी से हो, लेकिन होना इसी साल पीटी है और तैयारी आपको पूरी तरह से करना है। अभी टीआरई का एग्जाम चल रहा है, उसमें भी काफी स्टैंडर्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको बताएं कि हमारे साथ हैं परफेक्शन आईएएस के डायरेक्टर हैं, शिक्षक हैं चंदन प्रिय सर, और इनका 90 डेज प्लानर जो तैयारी को लेकर एक अपना कहें तो अंतिम रूप देने के लिए इन्होंने जो बुकलेट लॉन्च किया है वो काफी फेमस हुआ है। हजारों हजार कैंडिडेट उसे ऑनलाइन ऑफलाइन खरीदे हैं, ये सारा रूम भरा हुआ है और यहाँ से सारा जो है वो कुरियर हो रहा है जो लोग ऑर्डर किए हुए हैं। इसी पर लेकर बात करेंगे, 70वीं सिविल सेवा को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ चंदन सर हैं। चंदन सर, सबसे पहले नोटिफिकेशन में देरी हो रहा है, छात्र मायूस हो रहे हैं, ठंडा पड़ रहे हैं, क्या कहेंगे सर, ये कितना खतरनाक है उनके लिए? देखिए, इस जब ऐसी परिस्थिति होती है कि नोटिफिकेशन में देर होता है तो छात्र को ये समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, अपना क्या एक फोकस कैसे रखा जाए। देखिए, जैसा कि आपने भी बोला कि हाँ निश्चित रूप से एग्जाम में डिले होने वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा डिले नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम जहां तक मुझे भी लगता है कि एक महीने का डिले होगा। तो आप जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं करते जाए, जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप प्रीलिम्स के साथ साथ थोड़ा टाइम मेंस के ऊपर भी दें। एटलीस्ट डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन लिखने का प्रयास करते रहें, एक या दो क्वेश्चंस लिखने का प्रयास करते रहें, और उसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है तो पूरे तरीके से प्रीलिम्स पे शिफ्ट कर जाएं। अभी टोटली प्रीलिम्स पे शिफ्ट करने के लिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि पूरी संभावना है एग्जाम में थोड़ा सा डिले हो जाए। सर सर, ये 90 डेज प्लानर सर पहले भी वीडियो कर चुके हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और सर आप ही बता रहे हैं, और मैं भी जब कल खजांची रोड ये सब में गया था वहां पर, तो वहां पर काफी लड़कों का अच्छा रेस्पॉन्स है सर। हाँ। इसे अमेजन से लेके और सभी जगह से लोग खरीद रहे हैं सर। सर क्या इसका अभी तक रिव्यू मिल रहा है, छात्र क्या कर रहे हैं इसको लेकर? सबसे पहले बात तो मैं बता दूं कि इससे पहले जब हम आपसे मिले थे उस समय हमने इसको हिंदी मीडियम में लॉन्च किया था और अभी ये इंग्लिश मीडियम में भी आ चुका है। तो इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए भी 90 डेज प्लानर आ चुका है, ये आप सभी के लिए खुशी की बात है। और आप सभी ने जो प्यार और विश्वास दिखाया है, आप सभी ने जो परफेक्शन आईएएस को जो साथ दिखाया है, उसके लिए मैं पूरे परफेक्शन आईएएस टीम के तरफ से आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आप सभी ने मतलब इतना ज़्यादा इसको लिया है, इतना प्रैक्टिस किया है, बच्चे एकदम कंटिन्यूसली आ रहे हैं, ले रहे हैं बुक्स को और बना रहे हैं। इस प्लानर के अंदर क्या है वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेली बेसिस पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं। सर ये गेस पेपर है क्या सर? कितना लोग समझ जा रहा है कि ये पढ़ लो पीटी निकल जाएगा? नहीं, मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा
ये बिल्कुल भी गेस पेपर नहीं है, इससे प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे ये तो बाद का समय बताएगा। मैं ये भी नहीं दावा कर रहा हूँ कि इससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे, लेकिन हाँ निश्चित रूप से आप अगर इसको पूरे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका जो प्रैक्टिस है वो बेहतर होगा और एग्जाम आप डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे। सर इंग्लिश मीडियम का बात कर रहे हैं, बिहार में सर देखा जाए तो बीपीएससी को लेकर हिंदी मीडियम के मटेरियल का भरमार है, लेकिन ऐसा सर पहली बार आया है इंग्लिश मीडियम में आया है, इसका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, छात्रों को आप क्या कहेंगे इंग्लिश मीडियम के? रिस्पांस तो यही है कि फर्स्ट लॉट आने के साथ ही वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, ठीक है ना। तो रिस्पांस छात्रों का विश्वास हमारे साथ है, छात्रों का स्नेह हमारे साथ है और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है कि छात्र परफेक्शन आईएएस के कंटेंट का इंतजार करते हैं, परफेक्शन आईएएस के क्लासेस का वेट करते रहते हैं, तो यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और निश्चित रूप से हम आपके जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। और आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, सभी छात्रों से मैं पहले ही बोलता आया हूँ, आप सभी से मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप अनुशासन अपने जीवन में बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। कई बार ऐसा जीवन में आएगा, जैसे कि अभी एग्जाम में डिले हुआ तो लग रहा है कि क्या करें नहीं करें, जीवन में ऐसा कई बार ऐसा समय आता है, ऐसी परिस्थिति आती है जब आपको कुछ नहीं समझ में आता है, आपको उस समय अनुशासन बना के रखना है। अभी जो सिचुएशन हो गया ना, लोगों ने मतलब पहले की जो परिपाटी थी शिक्षकों शिक्षक और छात्र की जो परिपाटी होती थी उसमें क्या होता था, शिक्षा की जो परिपाटी होती थी उसमें क्या होता था कि आपको एक अनुशासन में रहकर पढ़ना सिखाया जाता था। अभी इस तरीके का ये जब से ये आपको ऑनलाइन शिक्षा पद्धति आ गई है उस तरीके उसके बाद से ऐसा हो गया कि छात्रों को का एपीजमेंट तुष्टिकरण जो है ना वो ज्यादा स्टार्ट हो गया है, और जब तुष्टिकरण होगा तो निश्चित रूप से घाटा उन्हीं को होता है जिसका तुष्टिकरण होता है। जब जब जनता का अगर आप पॉलिटिकल टर्म्स में देखें तो जब जनता का तुष्टिकरण होता है तो सबसे ज्यादा घाटा किसको होता है, जनता का होता है। जब किसानों का तुष्टिकरण होता है तो सबसे ज्यादा घाटा किसका होता है, किसानों का होता है। सिमिलरली जब छात्रों का तुष्टिकरण होगा तो सबसे ज्यादा घाटा किसका होना, क्षणिक लाभ होता है, क्षणिक लाभ नहीं, वो लाभ नहीं, वो लाभ लगता है, वो लाभ होता नहीं है। आपको लगता है कि हमको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, बहुत हम हल्ला कर रहे हैं, जब तक आप अनुशासन में नहीं रहेंगे आप कैसे शिक्षित हो पाएंगे। शिक्षा की शुरुआत ही अनुशासन से होती है, मैं आपके प्रत्येक वीडियो में बोलता आया हूँ या मैं अपने भी वीडियोस में बोलता आया हूँ कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका अनुशासन, और अपना जब तक आपका अनुशासन नहीं रहेगा आप खुद का मोटिवेशन बना के नहीं रखेंगे, और जब तक आप मोटिवेशन नहीं बना कर रखेंगे आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सर 90 डेज सर बहुत लोग लेना चाह रहे हैं, हमसे भी कई लोग संपर्क किए कि चाहिए हमको। सर एक और चीज़ और बताइएगा सर, इसको पढ़ने के लिए आपको अनुशासन की बात कर रहे हैं तो जो बीपीएससी का सिलेबस है वो पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए क्या, इसके लिए शर्त है सर? बिल्कुल, ये प्री रिक्विजिट है, ये पूर्व शर्त है कि अगर आपने पहले से तैयारी नहीं करके रखा हुआ है तो नहीं ले, आपको नहीं ले, बिल्कुल नहीं ले, आपको बहुत ज्यादा मददगार साबित नहीं होगा, क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक्स पढ़ने हैं, आपको क्लास नोट्स पढ़ने हैं और उसके बाद तब आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। देखो मैं तीन बातें बोलता हूँ प्रिपरेशन के लिए, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला तो स्टडी, आपको पूरा अपने जो भी आपके टेक्स्ट बुक्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा रिवीजन, उसको पढ़ने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाकर या नोट्स बनाकर क्लास नोट्स के साथ उसको रिवाइज करना होगा। एंड थर्ड वन इज प्रैक्टिस, तो दिस इज द टूल फॉर द प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस के लिए टूल है। आपको प्रैक्टिस के लिए जैसे क्या होता है कि छात्र क्या करते हैं कि पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, अब उनको पता ही नहीं कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, ठीक है, उसके लिए उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, अगर हैं भी तो घटना चक्र में आप देखेंगे कि वही रिपीटेडली वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगेन जब आप एक चैप्टर पढ़ लेते हैं उस चैप्टर के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए और वो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर अवेलेबल कराते हैं। तो ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ना गाइड है ना बुक है, ये आपको प्रैक्टिस करने का टूल है, आपको अनुशासित रखने का टूल है, और अगर आप अनुशासित रहेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता के मार्ग पे अग्रसर होंगे। सर एक और प्रश्न है, ये भी इससे अलग हटके है, नोटिफिकेशन को लेकर सर मेरे पास न जाने कितने 100 फोन आए होंगे, मैक्सिमम दिल्ली से आ रहा है कि 70वीं का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कितना सीट रहेगा, और सीटों को लेकर आपको हम पहले भी कल भी बताए हुए हैं कि ये आयोग के लोग भी बता रहे हैं कि संभावनाएं है कि बहुत ज्यादा सीट रहेंगी, वो लोग भी आशंका जाहिर कर रहा है सर, और ऐसे में ये भी संभावना जताया जा रहा है कि 67, 68वीं और 69वीं से दोगुना लगभग भीड़ होगा इस परीक्षा में। बिल्कुल, तो सर ये पीटी जो है वो पीटी अपने आप में टफ होने वाला है, मल्टीपल क्वेश्चन का भी बात कर रहे हैं चेयरमैन साहब कि ये 70वीं में भी लाया जाएगा।
सर कितना अहम हो जाता है पीटी, इस बार पीटी पार करना, कहना कि पहला जो लक्ष्मण रेखा है पीटी बना हुआ है, उसके लिए सर क्या कहेंगे सर? देखिए किसी भी एग्जाम में अगर आप देखेंगे सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में अगर मुख्य रूप से बात करें तो जो प्रीलिम्स होता है ना वो काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है, चाहे वो सीट्स बहुत ज्यादा हो बहुत कम हो। अगर देखो क्या, जैसे कि यूपीएससी का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पिछले साल क्या हुआ था कि क्वेश्चंस टफ पूछे गए थे तो कट ऑफ क्या हो गया था, नीचे चला गया था। क्वेश्चंस थोड़े से इजी पूछे गए कॉम्पिटेटिवली, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है कि वो बढ़ गया। कहने का तात्पर्य ये है कि छात्र अपनी दिशा के साथ, अपने डायरेक्शन के साथ, अपने बुक्स के साथ, उनके साथ जो उनका स्नेह, उनके साथ जो उनका एक बॉन्ड है उसको लेकर वो कंटिन्यू करते रहे। आगे सीट्स आएंगी, आपको एक ही सीट के लिए अपने आप को लेकर जाना है। देखिए सीट्स कितने आएंगे नहीं आएंगे आप देखेंगे कि यूट्यूब पे 75 लोग इसके बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन ये हमारा काम नहीं है, ये छात्र का भी काम नहीं है। छात्र का ये काम है कि मुझे अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि अगर एक सीट भी आए तो जितना भी सीट आए उसमें मेरा एक सीट हो, इस तरीके से प्रिपेयर करना है। और वो सब काम आप बेहतर तरीके से करते हैं कि कितने सीट्स आएंगे, आप हम तो पूरे तरीके से आप लोग पर ही डिपेंडेंट रहते हैं कि कितने सीट्स आएंगे क्या होगा, मैं आपसे ही जानकारी प्राप्त करता हूँ। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, मकसद ये है कि छात्र इन चीजों में न उलझें, तैयारी करते रहे। उनका मेन मोटिव सिलसिला नहीं टूटना चाहिए, पढ़ाई का सिलसिला, उनका जो पढ़ाई करने का जो तरीका है, जो मोटिव है, रिजल्ट पाने का जो उनका मोटिव है। आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को कभी आपने देखा है कि वो करेगा कि नहीं कब फॉर्म आएगा, उन वहां भी एग्जाम कैंसिल होता है, इस बार आपने देखा कि एग्जाम कैंसिल हुआ, कभी देखा आपने किसी को हल्ला करते हुए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जब होगा तब एग्जाम देंगे, प्रिपेयर हम हमेशा रहेंगे, अभी होगा अभी दे देंगे, बाद में होगा। पहले आप देखेंगे कि अगस्त में पेपर होता था यूपीएससी का, ठीक है, फिर बाद में पिछले बार हुआ कि मई में हो गया, उसके बाद जून में हो गया, कभी आपने देखा कि कोई कुछ नहीं, बस उसके जो एस्पिरेंट्स होते हैं अपने प्रिपरेशन में लगे रहते हैं। हमें भी उसी परिपाटी को विकसित करना है, जो बीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी उसी परिपाटी को विकसित करना है, बकैती में नहीं रहना है। और ऐसा हो ही गया है खासकर आजकल के जो मतलब सो कॉल्ड ऐसे शिक्षक यूट्यूबर्स जिनको खुद नहीं आता है वो लोग बकैती करते रहते हैं और छात्र भी उसके कारण क्या होते हैं कि वो भी उसमें बह जाते हैं। लेकिन यह देखिए आप छात्रों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके लिए काफ़ी लिमिटेड समय है, 2 साल 3 साल 4 साल, 2 साल के बाद घर वाले पूछना शुरू करेंगे कि बेटा कब होगा प्रिपेयर सिलेक्शन, 3 साल के बाद आगे पीछे अगल बगल वाले पूछने लगेंगे, उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि माहौल ऐसा तैयार हो जाएगा 3-4 साल में कि आप कहेंगे कि नहीं अब मेरे से नहीं होगा, इतना आपके ऊपर सोशल प्रेशर एग्जर्ट हो जाएगा। तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, आपको इन सभी चीज़ों में भटकने का समय नहीं है, एक लिमिटेड टाइम में अपने आपको अनुशासित रखते हुए प्रिपरेशन करें, आपका सिलेक्शन होगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगा। सर ऑनलाइन टीचर की आप बात किए हैं तो एक नया कॉन्सेप्ट देखा जा रहा है कि टीचर भी और छात्र भी सर एक तरह से लगता है कि डिपेंडेंट हो जाते हैं टीचर पर, और टीचर भी कहते हैं कि भाई मेरे पास आओ सारे तुम्हारे प्रॉब्लम का निदान है सर, एक क्या कहे अंधभक्ति सर उसमें आ गया है सर, कितना खतरनाक है सर वो खासकर सिविल सेवा के लिए। निश्चित रूप से यह बहुत ज्यादा खतरनाक है, पहली बात तो यह है, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है कि सिविल सेवा में कोई आपको एक थिंकिंग डेवलप करा सकता है, आपकी क्रिएटिविटी को डेवलप करा सकता है, आपको कोई ये बोल ही नहीं सकता है कि मैं 100% आपका ये सिलेक्शन करवा दूंगा, हो ही नहीं सकता है, आपको आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना खुद है, हाँ आपको चलना पड़ेगा। और आपको थिंकिंग एबिलिटी डेवलप कराना के लिए भी जो आपके मेंटर हैं उनके पास क्वालिटी चाहिए। मैं एक बात बताता हूँ आंसर राइटिंग की बात बताता हूँ, ठीक है। आंसर राइटिंग में जहाँ आप सुनेंगे ना, पहले तो आंसर राइटिंग की बात ही नहीं होती थी, जब से हम लोगों ने क्लासेस में आंसर राइटिंग कराना शुरू किया तब से आंसर राइटिंग की बात शुरू होने लगी। अब जहां जिससे भी सुनेंगे ना आप आंसर राइटिंग के बारे में तो वो क्या बोलेंगे, जब तक आंसर राइटिंग करेगा नहीं सिलेक्शन नहीं होगा। अरे आंसर राइटिंग में वो क्या लिखेगा पहले ये तो बताओ, सामने वाले को खुद ही नहीं पता है कि क्या लिखना है, तू बताएगा क्या, वो कुछ भी लिख दिया बोलेगा क्या कि इसमें स्पेस दे दो, बोलेगा कि नहीं इंट्रोडक्शन लंबा हो गया, अरे इंट्रोडक्शन का मतलब तो बताओ कि क्या होता है। तो जो सामने वाला आपका मेंटर है उसके पास भी वो क्वालिटी होना चाहिए कि वो आपको सही रास्ता दिखा सके, और दूसरा छात्र को उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। मैं कितना ही बता दूंगा कि भाई
फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, फैक्ट लेकर इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, लेकिन वो फैक्ट भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अगर आपने उस फैक्ट को प्रिपेयर नहीं किया, एग्जाम में आप कंफ्यूज कर जाएंगे तो कैसे लिखेंगे। तो रास्ता दिखाने वाला जो है पाथ, जो आपको दिखाने वाला पाथ फाइंडर जिसको फाउंडर का जिसको कहते हैं, वो भी क्या होना चाहिए, वो भी सशक्त होना चाहिए, वो खुद एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। ज्यादातर तो जो शिक्षक है उस पथ पर एक बार चला हुआ होना चाहिए। ज्यादातर शिक्षक ऐसे शिक्षक जो तैयारी करा रहे हैं जिनको जिन्होंने आज तक खुद ही प्रीलिम्स मेंस लिखा नहीं है और यूपीएससी की भी तैयारी करवा रहे हैं, बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसके ऊपर छात्रों को नहीं भटकना है, ठीक है। उनका वो काम है, उनको करने दीजिए, मैं उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, उनका काम उनको करने दीजिए। लेकिन छात्र को ये समझना पड़ेगा कि आपको निश्चित रूप से वही बता सकता है जो उस रास्ते पर चला, जी सर, ठीक है, जो उस रास्ते पर चला है, जिसने उस पर काम किया है, ठीक है। और इसमें तो इनोवेशन है, जब तक आप इनोवेशन नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी रिसेंटली मैं पेपर के अंदर देख रहा था कि कई ऐसे टर्म्स आते हैं, जैसे एक टर्म आया कि फ्रॉम सिटीजन टू नेटिजन, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करेंगे आंसर्स में, है ना, कि सिटीजन्स टू नेटिजन्स, जिस तरीके से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, आप इस टर्म को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आंसर्स में, कीवर्ड्स में कैसे इसको इंक्लूड करेंगे, ये सारी चीजें जब तक सामने वाला पढ़ेगा नहीं तब तक वो बता कैसे पाएगा, ठीक है। तो आप लोग इन बकैती करने वाले इन्वायरमेंट से बचे, पढ़ाई के ऊपर फोकस करें, और जो पढ़ाई के ऊपर फोकस करेगा, जो शिक्षक भी पढ़ाई के ऊपर फोकस करेगा और जो छात्र भी पढ़ाई के ऊपर फोकस करेगा, आपको वो रोड पे इस तरीके से बकैती करते नहीं पाया जाएगा, सीधी सी बात। तो चौदह सर थे, काम से काम बात करते हैं, लेकिन आज थोड़ा हम भी क्वेश्चन पूछे इनसे अलग, उसका जवाब भी अलग दिए। प्रोफेशनल होने की जरूरत है, अगर आज के जमाना में लोग कहते हैं कि कोचिंग बिजनेस है तो ठीक है, माने बिजनेस है, तो इसमें जरूरत है कि आप भी अपने लिए जो सबसे सुटेबल सबसे फायदेमंद है उसी को चुने, हर एक प्रामाणिकता की जांच करें, और शिक्षक जो होते हैं वो आपको रास्ता दिखाने वाले होते हैं, चलना आप ही को है, किसी पर आपको निर्भर नहीं होना है कि इनके पास आ गए तो मेरा चयन हो ही जाएगा, मेरा तो गुजारा हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक समय बाद सब कोई एक दूसरे का साथ छोड़ देता है। तो आपको बता दें कि 90 डेज प्लानर जो परफेक्शन आईएएस का एक अनोखा अपना प्रयोग है और छात्रों के बीच में काफी सराहा जा रहा है, काफी डिमांड है, इसका इंग्लिश मीडियम का भी बुकलेट आ चुका है और आप संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है, जहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण है सिविल सेवा की आप कैंडिडेट हैं और आपके लिए अनुशासन सर का कहना है, अनुशासन निरंतरता बरकरार रखना होगा, क्योंकि सिविल सेवा जो है आपको आपके अनुशासन को देखता है और परिणाम उसी के हिसाब से आते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें, धन्यवाद।